इच्छा दे नाल पहल की कि मैं तख्त श्री दमदमा साहब दियां जिहड़ियां सेवावां निभाउंदा रहूंगा ते इत्थे जिहड़े तुसीं होर नवें जथेदार परमानेंट नियुक्त कर लो। सो इस गल दी भी उन्हां दी प्रशंसा की जाती आ कि जिन्हां ने फराक दिली दे नाल नहीं तां उहदे छड्डण नूं कई वारी चित नहीं करदा ये अहुदा नहीं गा ये सिख पंथ की सरमौर जथेबंदी श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदारी की गल हुंदी जिहड़ी सारी सिख कौम ने ते सारी सिख कौम नूं अगवाई सिख कौम ने लैनी ते अगवाई देनी हुंदी है। सो इस करके उन्होंने अपनी सेवावां निभाईयां अज इत्थे असीं एग्जैक्टिव दे विच ये फैसला किया कि तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो अपन सेवावान तख्त श्री दमदमा साहब विखे अपन निरंतर जारी रखे बतौर जथेदार श्री दमदमा साहब। तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार दियां सेवावान बतौर जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जेडे तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार आ उत्थे उन्हां को अडिशनल चार्ज सी वह अपनियां पक्कियां सेवावां श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार के तौर पर निभाउणगे। सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी जिहड़े सचखंड के ग्रंथी सिंह आ तख्त श्री अकाल तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के बतौर जथेदार अपनियां पक्कियां सेवावां निभाउणगे। और ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ग्रंथी के तौर पर सचखंड श्री दरबार साहब से एडिशनल जिहड़ा आ उन्हां नूं चार्ज दिता जांदा। सो तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी सेवावां निभाउणगे और तख्त श्री दमदमा साहब दियां सेवावां सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिहड़े पहलां भी बाखूबी निभा रहे आ उह बाखूबी अपनियां सेवावां निभाउणगे। तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी वो अपनियां सेवावां निभाउणगे। सो कौम दे चरणां च भी बेनती करदा कि ये लौणा शब्द ना वरतिओ किते भी बिल्कुल पे अकाल तख्त दे जथेदार तो सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं लाया ये निम्रता सहित बेनती आ कोई लौण दा नहीं मसला लौण वाली गल कोई नहीं अपनी स्वै इच्छा नाल क्योंकि एडिशनल चार्ज सी कई बार आपां फिर टिल्ट कर जांदे उहनूं खूब मसाला नाल लगता कोई नहीं ये तख्त श्री अकाल तख्त साहब की उन्हें जिनी चेर भी सेवा की अंतर कमेटी उन्होंने इन्हों सेवावान की भरपूर शलांघा भी करती आ ते कामना भी करती पे अगांह तो भी क्योंकि सेवावान दे विच कई बार सलाह मशवरे भी करने पेंदे आ पांच सिंह साहिबाना के तौर पर अपना सार्थक रोल जिदा पहला निभाया उस तरह वो सार्थक रोल निभाते रहेंगे। सो कृपा करके ये सारी बेनती सी उन्हें अपनी स्वै इच्छा दे नाल मैं समझना बहुत बड़ी गल हो जाती है उन्होंने कि आप नवा तुसी अपना जथेदार जिहड़ा नियुक्त कर लो। सो इन्नी कि अज की यह साडी विशेष पवित्रता सी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। नहीं कोई अस्तीफा नहीं भेजा अस्तीफा नहीं कोई भी हुंदा मेरे नाल गल उन्हां दी हो गई सी सारी आ हुण भी होई आ गल उन्होंने कहा भी मैं इस गल की भरपूर क्योंकि कौम दे विच लंबे अरसे दा जथेदार पक्का लाउण दी परंपरा लोग कह रहे सी इस करके मैं इत्थों अपने सेवा मुक्त जां छुट्टी इत्थों करके ते तुसीं नवां जिहड़ा जथेदार नियुक्त कर लो। ज्ञानी जगतार सिंह जी उन्हां अपनियां सेवावां निभाउणगे उदां ही एक्टिंग दे तौर ते ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
देखो मैं क्योंकि कुछ अरसा पहला असं एक आल इंडिया सिख गुरद्वारा एक्ट की कमेटी बनी सी जी शायद तीजा खरड़ा सी असं यतन भी किए थी पर एक कमेटी इतने भी बनी सी क्योंकि सिख गुरद्वारा एक्ट के अमेंडमेंटा पार्लीमेंट न कर अधिकार आ वो फिर लंबा अरसा आया वो भी पहला भी कमेटी एक बनी सी हूँ भी यतन करा भी आप कमेटी बना के वो रूल्स एंड रेगुलेशन जे जिथे जिथे भी कोई अमेंडमेंट होने वाली हो जरूर यतन करा कोई गल नहीं इधर बिलकुल ना बिलकुल बिलकुल ना जोड़ियो बिलकुल इधरले पासे ना जोड़ियो ये बिल्कुल आप मीडिया की देखो मैं थोड़ा निम्रता तहत बेनती करता श्री अकाल तख्त साहब एड्डी वड्डी सिख कौम की शक्ति आ अकाल तख्त तो फिर अकाल तख्त का जथेदार तो जे उदन भी सी असी जे करना होंगे ये तो उन्हें अपनी स्वै इच्छा ना ये जोड़ा ये मैं समझना बहुत वड्डी गल है भी कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने हाँ वो फिर उस करके बूर पिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.